मध्य प्रदेश के हरदा में खंडवा रोड के पास गौशाला के सामने सोमेश फायरवर्क्स फैक्ट्री में आज दोपहर को भीषण आग लग गई। मौके पर काफी देर तक धमाके होते रहे, जिससे शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। धमाकों की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंचने पर अजनाल नदी के पुल पर आवागमन रोक दिया गया। करीब आधा किलोमीटर के दायरे में लोगों के घरों की खिड़कियों के शीशे और दरवाजे टूट गए। फैक्ट्री के दरवाजे की एंगल करीब 12 किलोमीटर दूर खेत पर जाकर गिरी। हादसे में समय फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे थे, ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका। लगातार हो रहे ब्लास्ट के कारण एम्बुलेंस, पुलिस और दमकल की गाड़ियों के पहुंचने में दिक्कत आती रही। टुकरा से आ रहा था बाइक से, ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी, नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर बेसिन जमीन हिल रही थी, तो गाड़ी सहित में गिर गया था। गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा, तो भागने में दो तीन जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। कहाँ तक पत्थर उछले? कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक जमीन पत्थर उछले, आधा किलोमीटर दूरी पे। तो आप कैसे घायल हुए? तो हम धमाका हुआ, घर से निकला हम, तो एकदम से इंगल आया हुड़का, तो हमारा पेड़ में हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ। कितने बजे की घटना है? ये होगी 10-1 बजे की। विस्फोट पता नहीं, वो तो एकदम से हमने आवाज सुनी, धमाका सुना, उसके बाद में भाई था, भाई से निकला, थोड़ी देर तो वहीं बैठ गया, वहां से फिर निकला और फिर गया, भगते भगते निकल गया बाहर। घायल कैसे हुए? पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पांव से भागा। कितनी दूर पाइप उड़ के आया? पाइप समझ लो 50 फीट समथिंग। आप कैसे थे? बाइक से? बाइक से नहीं था, पैदल ही था पहले। मैं स्थित एक पटाखा फैक्ट्री गोदाम है जहां पर सुबह विस्फोट हुआ है, और दमकल की टीम और एम्बुलेंसेज मेडिकल टीम हमारी यहां उपस्थित है, और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी अराउंड 63 लोगों को हमने एडमिट किया है और 6 लोगों की मृत होने की रिपोर्ट मेडिकल टीम ने दी है। लोग काम कर रहे थे, ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या? अभी वो अभी नहीं, अभी जानकारी नीचे और भी लगे दबे होने के नीचे दबे होने की आशंका है लोगों की। वो राहत कार्य राहत कार्य तुरंत शुरू हो गया था जैसे ही धमाके की न्यूज आई थी, और तुरंत अभी यहाँ पोकलेन, जेसीबी और सभी राहत सामग्री। धमाके हो रहे हैं, देखने में आ रहा है अभी भी छोटे छोटे धमाके नहीं, कुछ जो क्योंकि ये पटाखा फैक्ट्री थी, तो कुछ जो पटाखे बचे हैं अवशेष हैं उनके जलने की आवाज आ रही है। सर, ये आसपास के जो लोग रहवासी हैं उनको क्या राहत शिविरों में भेजा जा रहा है रहने के लिए, क्योंकि तमाम मकान खाली कर? वैकल्पिक स्थान भी हम लोग जो आसपास की धर्मशालाएं हैं वहां पे हम व्यवस्था करा रहे हैं। अभी हम लोगों ने स्थानीय कलेक्टर से बात की है, यहाँ दुर्घटना में जब 4-5 लोगों को होशंगाबाद रेफर किया है, कुछ को भोपाल रेफर किया है, और जो स्थानीय हॉस्पिटल में है उनका इलाज चल रहा है, हम लोग वहीं पर देखने जा रहे हैं। अभी तक कितनी कैजुअल्टी हुई है? 6 लोगों का अभी तक अधिकृत रूप से बताया है कि 6 लोग की जान गई है, और लगातार मलबा हटाने का, और मौके पर जो हमारी SDRF की टीम है, SDRF के ADG भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, उनकी देखरेख में जो यहाँ पर काम चल रहा है, मुझे लगता है कि शीघ्र हम निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि दुर्घटना में जो एक्चुअल क्या नुकसान हुआ है। कितने लोगों के होने की? अभी लगभग 60 लोग इसमें आहत हुए, कुछ घायल हैं, कुछ गंभीर घायल हैं। कोई राहत राशि जो है दे जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं, और एक बार सारी चीजों की बात होने के बाद हम इसको बेहतर बताने की स्थिति में होंगे।